मार्गरेट ने पाकिस्तान के क्याम के दौरान 1947 में तस्वीरें उतारी। मार्गरेट लाखों अफराद की हिजरत और नसीब फसादात के हौलनाक मनाजिर की ऐनी शाहिद थी। मार्गरेट का इंतकाल 1971 में हुआ और उनकी पैदाइश 1904 में हुई। इनका शुमार अमेरिका में इब्तदाई प्रेस फोटोग्राफर में किया जाता था। मकबूल आम महाना लाइफ मैगजीन की स्टाफ फोटोग्राफर की हैसियत के पास तारीखी मनाजिर को अपने कैमरे की आंख से देखा, इन्हें अक्स बंद किया। वो पहली खातून जंगी नामा निगार थी जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के दौरान महारत की फोटोग्राफरी की और उनको इस महारत पर उस ज़माने में बहुत से अवार्ड भी मिले और उनको गांधी जी मार्गरेट को एक अजियतनाक खातून करार देते थे। मार्गरेट ने लाखों अफराद की हिजरत और नस्ली फसादात के हौलनाक मनाजिर की ऐनी शाहिद भी थी। माहिरीन का कहना था कि इनका शुमार अमेरिका में इब्तदाई प्रेस फोटोग्राफर में किया जाता था। मकबूल आम महाना लाइफ मैगजीन की स्टाफ फोटोग्राफर की हैसियत से मार्गरेट ने 20वीं सदी के बाद तारीखी मनाजिर को अपने कैमरे में की आंख से देखा, इन्हें अक्स बंद किया। वो पहली खातून जंगी नामा निगार थी जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के दौरान जंगी महारत की रिपोर्टिंग भी की और मार्गरेट ने पाकिस्तान के दौरान क्याम के दौरान पाकिस्तान क्याम के दौरान 1947 में तस्वीरें उतारी। गांधी जी मार्गरेट को एक अजियत देने वाली खातून करार देते थे क्योंकि उस ज़माने में इस खातून ने ऐसी तस्वीरें खींची जिनको एक आम आदमी देख नहीं सकता था। जंग के दौरान जख्मी लोगों की तस्वीरें खींची जिनके हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग और जख्मी लोगों की तस्वीरें खींचने वाली पहली खातून थी जिसने दूसरी जंग अजीम में बड़ी महारत से तस्वीरें खींची। ना डर ना खौफ ये बेबाक खातून जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन इस वक्त दुनिया में इसका शुमार पहली खातून के नाम से होता है जो सफ़े अपल की खातून मार्गरेट जो आज इस